अब हम योग मार्ग के वैशिष्ट के विषय में जानेंगे। योग मार्ग का जो वैशिष्ट है, गुरु गोरखनाथ जी ने कहा है कि लोक में जो भी जो समाज में तीन प्रकार के उन्होंने कर्मों का उल्लेख किया है। एक पहला निकृष्ट कर्म, निकृष्ट कर्म में जो जीवन यापन के कर्म है, जो भी हम लोग व्यवहार में जो भी हम कर्म करते हैं उसको हम जो भी जीवन यापन के लिए जो भी कर्म किया जाता है वह निकृष्ट की श्रेणी में आता है, क्योंकि वह तो सभी लोग कर लेते हैं। और जो उत्कृष्ट कर्म आता है, उत्कृष्ट कर्म में यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना, साधना करना और स्वधर्म, स्वधर्म के अंतर्गत स्वधर्म में कहा जाता है कि कर्म का जो है कर्म फल की जो लिप्सा है वह त्याग करके साधक जो है साधना में जो लगा रहता है उसको स्वधर्म कहते हैं। निष्काम यानी कर्म, कर्म फल की इच्छा, कर्म फल इच्छा से रहे, इच्छा से रहे, कर्म फल इच्छा से जो रहित है वह स्वधर्म। तो योग शब्द का अर्थ के विषय में गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं, योग का अर्थ है मिलन, आत्मा का परमात्मा से ही मिलन हो जाना योग है। आगे कहते हैं परम पद की प्राप्ति के उपाय क्या है, तो उन्होंने चार उपायों पर प्रकाश डाला है। पहला सहज, दूसरा संयम, तीसरा सोपाय, चौथा अद्वैत। सहज का क्या अर्थ है? सहज के संदर्भ में गुरु गोरखनाथ जी बताते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा, जो जीव है जो और जो परमात्मा है, जो जीव जो साधक है वो अभेदता अनुभव करने लगता है, मतलब कि परमात्मा भिन्न नहीं है, वह स्वयं परमात्मा में ही लीन, ऐसा जो भाव आने लगता है तो सहजता आ जाती है। और जो संयम होता है, यह विषय जो विषयों की तरफ जो भी हमारा मन जाता है, इंद्रियां जाती हैं, तो उधर से अपने मन को हटाना चाहिए। और सोपाय, चौथा है सोपाय, तो सोपाय के संदर्भ में कहते हैं कि स्वस्वरूप में स्थिति, क्योंकि जैसे जो जीवात्मा है वह प्रकाशमान है, तो इसलिए उसी स्वरूप में स्थिति जब हमारे मिल जाती है वह सोपाय है। और अद्वैत का अर्थ है कि परमात्मा जो है, आत्मा जो है अद्वैत रूप ही परमपद होती है, कहलाता है, मतलब कि आत्मा जो है शून्य है, निर्विकल्प है, आत्मा न तो करता है और न ही भोगता है, आत्मा न तो करता है न तो भोगता है, तो इसलिए आत्मा शून्य है और निर्विकल्प है। तो शून्य और निर्विकल्प होने से आत्मा अद्वैत हो जाती है, अद्वैत यानी कि परमात्मा का स्वरूप हो जाती है, परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाती है, में स्थित हो जाना।